Today we are going to understand what is composition supply. First of all, I would again say that composition scheme, that is this composite supply. Composite supply and composition scheme, both are completely different. They are not related to each other at all. So, okay na? Composite supply, ये वाला concept है. Composition supply हमने पहले देखा था, जिसमें क्या होता है कि आपको एक benefit मिलता है composition scheme लेने का, जो कि 1.5 करोड़ के turnover तक का रहता है, जिसमें आपको जो सेल करते हो, जो भी आपके सप्लाई रहती है, उसके ऊपर रिड्यूस रेट पे टैक्स हो जाता है. 1% का नॉर्मल रेट है, 1%, 5%, 6% का, और उसमें आपको ITC नहीं मिलता है. वो मेरी सेक्शन 10 वाला जो भी था, वो सब क्या था, कंपोजिशन स्कीम थी. कंपोजिट सप्लाई उससे कंप्लीटली डिफरेंट है. अभी मैं बात करता हूं कि जब हम जो चीज सेल करते हैं, उस पर उस चीज का रेट लग जाता है. ये बात क्लियर है? मगर आपने जब मोबाइल परचेज करते हो, मोबाइल के साथ आपके ईयरबड्स भी आते हैं, आपके पास चार्जर भी आता है, कुछ आपकी एसेसरीज भी कभी कभी आती है, और उसके बाद आपका बैक कवर आ जाता है, स्क्रीन गार्ड, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें उसके साथ आपके पास अवेलेबल होती है. ठीक है, वो सारी चीजें अगर मैं बात करता हूं, जब आप परचेज करते हो 10,000 का मोबाइल, तो एक 10,000 के मोबाइल का बिल बनता है, जिसके ऊपर उसका जीएसटी का रेट लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल 18%. तो उसके ऊपर 1,800 का आपके ऊपर जीएसटी चार्ज हो गया. तो मतलब 10,000 पूरी वैल्यू पे लग गया, जिसके अंदर चार्जर की वैल्यू भी इंक्लूड है, ईयरप्लग की भी है, मोबाइल की, उसके स्क्रीन गार्ड, बैक कवर, जो बॉक्स है उसकी, हर चीज की उसकी वैल्यू इंक्लूड है, जबकि सबके ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट्स है. सो ऐसा क्यों हुआ कि मैंने टोटल वैल्यू मिला के एक वैल्यू बनाई और उसके ऊपर एक सिंगल रेट लगाया? उसका रीजन है कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई क्या कहता है कि जब एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा गुड्स एक साथ आप सेल कर रहे हो, जिस पे सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको सिंगल जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. और वो जीएसटी कौन सा चार्ज होगा? उस प्रोडक्ट का जो आपका मेन प्रोडक्ट है. बात समझ में आई? पहले मैं इसमें दो चीज, तीन चीजें अलग अलग डिस्कस करूंगा. पहली बात, प्राइस सेम होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए. मतलब आपने सबको बंडल करा है, ठीक है, एक बंडल बनाया है और उसका प्राइस रख दिया 10,000 रुपीज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल का 10,000, चार्जर का उसमें आपने 500 अलग रख दिए और ईयरप्लग के 500 अलग रख दिए. इस केस में अगर आप रख रहे हो, तो फिर तो बंडल ही नहीं हुआ ना, फिर तो हर प्रोडक्ट सेपरेट सेल हो रहा है. सेपरेट सेल हो रहा है तो फिर उसके सेपरेट जीएसटी चार्ज करो, यहाँ पे कोई कंबाइंड वाला सिस्टम ही नहीं आता है. जब आप एक बंडल बना रहे हो, अभी बंडल सेल कर रहे हो, तो उस बंडल का, एक ग्रुप का, एक पैकिंग का आपका जो है रेट है. So, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बंडल्ड हो रहा है, तो इसमें मुझे देखना रहेगा. तो सबसे पहले इसमें बात पता क्या आती है, विच आर नेचुरली बंडल. नेचुरली बंडल मतलब वो बंडल जो है ना, नेचुरली है, मतलब ये तो एक साथ सेल होते ही है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेल होते, नॉर्मली हर कोई इसको साथ में सेल करता है, बाकी सब भी करते हो, ये आपस में दूसरे के कंप्लीशन है, जैसे टीवी के साथ उसका रिमोट. सो सेम है. अगर आप जो स्कूटर परचेस करके आ रहे हैं, बाइक परचेस करके आ रहे हैं, तो उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स होंगे, वो सब भी नेचुरली बंडल्ड होंगे. बात समझ में आई? सो यहाँ पे आपके पास से ये चीजें कैसी, नेचुरली बंडल्ड है, हर कोई इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ऐसे ही. बात क्लियर हो? तो उसको मैं क्या कहूंगा, कंपोजिट सप्लाई कहूंगा. सो यहाँ पे क्या होगा, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, दो या दो से ज्यादा चीजें गुड्स की या सर्विस की कैसे भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, जब आप नेचुरली बंडल करके उनको सेल कर रहे हो. सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज प्रिंसिपल सप्लाई. और अगर आप उसको क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बिजनेस रिलेटेड वर्क में कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है. यहाँ पे रेट कौन से का लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का. प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन प्रोडक्ट. टीवी और रिमोट में मेन प्रोडक्ट क्या है, रिमोट के साथ टीवी तो नहीं है ना, टीवी के साथ रिमोट है, तो टीवी का रेट रिमोट पे भी चार्ज होगा. जैसे ही मोबाइल इंपॉर्टेंट हो गया, तो मोबाइल का रेट पूरे उसके एसेसरीज के ऊपर लग जाएगा. ठीक है, जैसे अगर इसमें क्या कहें, वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्ट, अगर आप कुछ सामान बेच रहे हो, इसके ऊपर इंश्योरेंस भी होता है, इसके पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें क्या होगी, कंपोजिट सप्लाई. मोबाइल में बताया ना, इसमें इंश्योरेंस भी होता है, कंपनी भी अपना इंश्योरेंस कराती है जब सामान को इधर उधर बेचती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तभी तो जाके इसकी टोटल वैल्यू 10,000 आई. 10,000 में सिर्फ मोबाइल की अपनी वैल्यू नहीं है, उसमें सारा खर्चा इंक्लूड है. तो सभी को मैं एक एक को अलग नहीं करता हूँ, मैं उसको पूरा एक साथ 10,000 वैल्यू माने और उसके ऊपर एक सिंगल चार्ज कर दिया रेट का. ये वाली बात क्लियर?
सो इसमें कौन सा लगाऊंगा, टैक्स रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल का मैं मेन टैक्स रेट चार्ज करूंगा। पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अगेन, क्योंकि जब आपका इस तरीके का हो रहा था ना, माइंड में कई बार कस्टमर जो आपके क्लाइंट होते हैं उसका डाउट आता है कि सर इस पे तो चार्जर पे फॉर एग्जांपल 12% है, इस पे 18% है, अभी मैं कैसे चार्ज करूं। तो आप क्या कहोगे, नेचुरली बंडल है या नहीं है, तो उसके हिसाब से कंपोजिट सप्लाई करोगे, ठीक है, नोट डाउन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिक्स सप्लाई देखते हैं।